नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत में पहले बात करेंगे दिन भर की कुछ खास सुर्खियों की, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। महाराष्ट्र में एनडीए के बीच सीट शेयरिंग फाइनल। शाह के घर 2 घंटे चली बैठक। भाजपा 155, शिवसेना शिंदे 78 और एनसीपी अजीत गुट 55 सीटों पर लड़ेंगे। मणिपुर में उग्रवादियों ने गांव पर फेंके बम। सीआरपीएफ और पुलिस ने मौके पर की फायरिंग। महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 2 आतंकी गिरफ्तार। 3 ग्रेनेड और 1 पिस्टल भी बरामद। दिल्ली, लंदन और दुबई जयपुर फ्लाइट में बम की धमकी, दोनों फर्जी निकली। 1 हफ्ते में विमानों को ये थी 23वीं धमकी। फरीदाबाद की फाइन टर्न कंपनी में महिला की मशीन में गला कटने से हुई मौत। बिहार जेल से 872 दिन बाद बाहर आए सत्येंद्र जैन। आतिशी मनीष सिसोदिया ने गले लगाया। आपको बता दें, मनी लॉन्ड्री केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत। वही सप्ते सोने चांदी के दामों में रही तेजी। सोना 1,787 रुपए बढ़कर 77,410 रुपए तक पहुंचा, तो वही चांदी 92,283 रुपए प्रति किलो बिक रही। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की खास और बड़ी खबरों की। हरियाणा की खबरों में सबसे पहली खबर फरीदाबाद से है, जहां आईएमटी इलाके में स्थित फाइन टर्न नाम की कंपनी में आज एक महिला की मशीन की चपेट में आने से गला कटने के चलते दर्दनाक मौत हो गई। मामले को छिपाने का कंपनी के संचालकों ने काफी प्रयास किया और किसी पुलिस या प्रशासन को खबर नहीं दी। बेटे के मुताबिक आज उसकी माँ के साथ ग्राइंडर चलाते समय ही कोई घटना घटी, इसके चलते उसकी माँ का गला कट गया। फिलहाल शव को नागरिक अस्पताल में रखवा दिया गया है, जहाँ पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हरियाणा में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद सीएम सैनी ने चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में पदभार संभाला। दरअसल पहले फैसले में सीएम सैनी ने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में किडनी की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की फ्री डायलिसिस होगी। भविष्य में ये फ्री सुविधा मेडिकल कॉलेजों में भी उपलब्ध कराई जाएगी। फिर सीएम ने सभी मंत्रियों के साथ जाकर उन्हें ज्वाइनिंग कराया। आपको बता दें कि इसके बाद सीएम ने कैबिनेट की पहली मीटिंग की और इसके बाद सीएम ने कहा कि ये हमारी पहली कैबिनेट बैठक थी। इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हमारे कैबिनेट ने सम्मान किया है जो एससी में वर्गीकरण का मामला था। हमारी कैबिनेट ने उसे आज से ही लागू करने का फैसला लिया है। इसके बाद सीएम नायब सैनी दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जहाँ नए बनाए 13 मंत्रियों के पोर्टफोलियो को लेकर चर्चा की। मंत्रियों को कल विभाग भी मिल सकते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद तीसरे दिन भी एक्स पर अपनी बात खुलकर रखी, लेकिन अब तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। दरअसल वीरवार को कांग्रेस हाईकमान को अपना इस्तीफा भेजने के बाद उन्होंने अब तक 2 पोस्ट के माध्यम से पार्टी की वर्तमान स्थिति और नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। अजय यादव ने अपनी पोस्ट में राहुल गांधी को टैग करते हुए लिखा है कि मैं आत्मसम्मान में विश्वास करता हूँ, क्योंकि किसी पद पर बने रहना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि आप बिना किसी बाधा के पार्टी के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। 1988 में कांग्रेस में शामिल होने के बाद उस समय पार्टी के नेताओं के साथ खुलकर बातचीत होती थी। स्वर्गीय राजीव गांधी और सोनिया गांधी तक से संवाद बना रहता था, लेकिन हाल ही में राहुल गांधी के आसपास कुछ गुट बन गए हैं, जिनसे वरिष्ठ नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को उनसे दूर किया गया। पंचकुला के मोरनी के नज़दीक टिक्कर ताल के पास बच्चों से भरी एक बस हादसे का शिकार हो गई। मिली जानकारी के अनुसार ड्राइवर काफी तेज रफ्तार से बस चला रहा था, जिसके कारण हादसा हुआ। घायलों को रेस्क्यू द्वारा बाहर निकाला गया, वहीं घायलों को अस्पताल में भी भर्ती करा दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हरियाणा सचिवालय में कार्यभार ग्रहण कर रहे थे और तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के करीब 24,000 युवा विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियां ज्वाइन करने की प्रक्रिया पूरी करने में जुटे थे। नायब मंत्रिमंडल और इन हजारों युवाओं ने शुक्रवार को एक साथ कार्यभार ग्रहण किया। हरियाणा कर्मचारी आयोग की ओर से ग्रुप सी के कुल 25,500 पद व ग्रुप डी के 2600 पदों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया गया। कुल 25 ग्रुप व 205 श्रेणियों में ये भर्ती की गई। इन पदों को कुल करीब 24,000 अभ्यर्थियों का चयन किया जा चुका है, जिनकी ज्वाइनिंग शुक्रवार से आरम्भ हो गई है। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए,
साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।